हेलो फ्रेंड्स, मैं फार्मासिस्ट अरविंद कुमार। स्वागत है एक बार फिर अरविंद फार्मेसी यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग जानेंगे कैल्सिकॉल XT टैबलेट के बारे में, जानेंगे इसका यूज कब किया जाता है और कितना डोज होता है और कितने दिन इसको लेना होता है और इसका साइड इफेक्ट क्या दिखता है और प्रिकॉशन क्या रखना चाहिए इसको लेने से पहले। तो बने रहिए वीडियो मन तक, वीडियो कौन तक देखिए। इससे पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, क्योंकि इस तरह से आपको मेडिसिन के बारे में रेगुलर जानकारी मिलता है चैनल पे। आइए बात करते हैं कैल्सिकॉल XT। इसका और भी ब्रांड आता है, जैसे कि कैल्सिरॉल XT टैबलेट और वेहिकल XT टैबलेट और सुपर काल 2000 mg में, जो कि इसके कंपटीटर है, जो कि सेम आपका कंपोजिशन मिल जाएगा, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट, विटामिन D3 और मेथाइल कोबेलामिन और एल मेथाइल फोलेट कैल्शियम एंड पैराडॉक्सल 5-फॉस्फेट टैबलेट, जो कि आपको मिल जाएगा। बात करें तो इसमें आपका कैल्शियम कार्बोनेट 1285 mg होता है और आपका एलिमेंटल कैल्शियम 500 mg होता है और विटामिन D3 आपका 2000 इंटरनेशनल यूनिट होता है और मेथाइल कोबेलामिन 1500 mcg में है और एल मेथाइल फोलेट कैल्शियम 1 mg है और पैराडॉक्सल 5-फॉस्फेट 20 mg है एक टैबलेट में, जो कि आप देख रहे होंगे। ये आपको 15 टैबलेट का पैक आता है, जो कि MRP ₹345 है। हर कंपनी का इसका MRP थोड़ा 10-20 रुपये कम बेस आता है, लेकिन MRP यही रहता है। बात करें ये तो एंटेक्स कंपनी का है, जो कि मार्केटिंग करता है और कोलेब्रेशन है आपका इल्डर फार्मा से, जो कि आप देख रहे हैं। आइए अब जानते हैं इसका यूज। तो इसका यूज जैसे कि नसों में कमज़ोरी हो जाना, उसमें ताकत की कमी हो जाना और झंझनाहट हो जाना और सुन हो जाना, तो उनमें इसको चलाया जाता है। और साइटिका में इसको इस्तेमाल करते हैं। आप जानते हैं साइटिका क्या होता है? तो ये पैर में सुन होने लगता है और झंझनाहट होने लगता है और सुई चुभन की तरह होने लगता है, तो उसमें भी इसको इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम साइटिका बोलते हैं। सेकंड है डायबिटीज न्यूरोपैथिक प्रॉब्लम में लिया जाता है, जैसे कि नसों में समय अनुसार कमजोरी हो जाना, खासकर हाथ पैर के नसों में ये प्रॉब्लम होता है, तो उसमें इसको इस्तेमाल किया जाता है। और जैसे कि RBC को इंक्रीज करता है, जिससे कि शरीर में खून की कमी की समस्या दूर हो जाता है, शरीर में खून बनने लगता है। और इस नर्वस सिस्टम इसको लिया जाता है, नर्वस सिस्टम को मजबूत करता है और प्रेगनेंसी में चलाया जाता है, जैसे कि प्रेगनेंसी में नौजिया वोमिटिंग और जैसे कि प्रोटीन लॉस होने लगता है, खून की कमी होने लगता है, उसमें चलाया जाता है प्रेग्नेंट लेडी को भी, लेकिन डॉक्टर के अकॉर्डिंग चलाया जाता है। और जैसे कि मांसपेशियों में खिंचाव हो गया है, जकड़न हो रहा है, दर्द हो रहा है, तो उसमें इसको इस्तेमाल करते हैं। ये सारा यूज है इस कंपोजिशन का, मेडिसिन का। अब जान लेते हैं इसका डोज कितना होता है। तो इसका डोज महिला या पुरुष दिन में एक टाइम लिया जाता है और इसका 2 से 3 महीने तक चलता है, लेकिन डॉक्टर के अकॉर्डिंग आप चलाएं। अब जान लेते हैं इसको लेने के बाद साइड इफेक्ट क्या दिखे। तो इसको लेने के बाद अगर नौजिया वोमिटिंग, स्किन पे एलर्जी, चकता दिखाई देने लगे, खुजली होने लगे या घबराहट होने लगे, तो आप समझ साइड इफेक्ट कर रहा है और नाले बंद कर दें। लेकिन सामान्य रूप से किसी को नहीं दिखाई देता है, बहुत नॉर्मल केस में किसी को दिखाई देता है। अब जानते हैं प्रिकॉशन क्या है। तो प्रिकॉशन इसका ये है कि आप इसको लेने से पहले एक बार डॉक्टर से राय लेकर तभी लें। सेकेंड है, अगर प्रेग्नेंट लेडी है तो उनको देने से पहले एक बार डॉक्टर से राय लेकर तभी दें। मैंने बोला है प्रेग्नेंट लेडी को देने के लिए, तो इसलिए बोला है कि अगर आप उनको देना चाहते हैं तो उनको कई मेडिसिन चलता है पहले से ही, तो उसके साथ देने के लिए आप एक बार डॉक्टर से राय लेके तभी दें तो बेहतर रहेगा। और यह है, इसको लेने के बाद अल्कोहल बिल्कुल ना लिया जाए
और प्रिकॉशन ये है कि इसको लेने के बाद कम से कम एक महीने तक आप उसको रिजल्ट पाने में विश्वास रखें, क्योंकि एक महीने लगता है इसका रिजल्ट शो करने में, एक महीने में असर दिखाने लगता है। ये सारा प्रिकॉशन है और ये रहा पूरी जानकारी कैल्सिकॉल एक्सटी टैबलेट का। उम्मीद करते हैं अच्छा लगा होगा आपको, अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरह से मेडिसिन के बारे में रोज़ जानकारी मिलता है इस चैनल पर। धन्यवाद।